This Lallan Top video is presented by My Billbook. पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा My Billbook ऐप से GST बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें My Billbook ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। घटना नंबर एक, 23 दिसंबर 2020 लखनऊ के कैसरबाग इलाके का गांधी भवन सभागार। सभागार में पत्रकारों की भीड़ जमा है। मंच पर 3 कुर्सियां रखी हुई हैं। एक कुर्सी पर बैठे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दूसरी कुर्सी पर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह और तीसरी कुर्सी खाली है। कुर्सी के पीछे एक कटआउट लगा है और कुर्सी पर कटआउट वाले व्यक्ति का नाम चस्पा है, सिद्धार्थनाथ सिंह, भाजपा नेता और यूपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर। मनीष सिसोदिया सिद्धार्थनाथ सिंह से दिल्ली के स्कूलों पर डिबेट करने चले आए थे। बैठक में सिद्धार्थनाथ सिंह नहीं थे तो मनीष सिसोदिया समेत पूरी आम आदमी पार्टी को कहने का मौका मिल गया कि योगी सरकार बहस या संवाद नहीं करना चाह रही। सरकार के लिए तमाम संज्ञाओं का इस्तेमाल हुआ। घटना नंबर दो, लखनऊ में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की राजनीतिक स्टंट के बाद नंबर आया आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली कैबिनेट के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती का। अपने पहले विधायक कार्यकाल में घरेलू हिंसा के केस में जेल जा चुके और विदेशी लोगों पर हमला करने का आरोप फेस कर चुके सोमनाथ भारती का कायाकल्प हो गया। वो गोल चेहरे वाले सोमनाथ भारती नहीं दिख रहे थे, सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बाल के साथ सोमनाथ भारती यूपी में उतर आए। यहाँ पर यूपी के स्कूल और यूपी के अस्पताल देखने के लिए प्रदेश का दौरा करने लगे और आखिर में सोमनाथ भारती 11 जनवरी को गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। क्या किया था सोमनाथ भारती ने ऐसा? गिरफ्तारी के एक दिन पहले यानी 10 जनवरी को सोमनाथ भारती के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई। सोमनाथ भारती ने यूपी के अस्पतालों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यूपी के सरकारी अस्पतालों में बच्चे होते तो हैं लेकिन ये बच्चे कुत्ते के पिल्लों की तरह पैदा होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर बताती है कि शोभनाथ साहू ने अमेठी के जगदीशपुर थाने में IPC की धारा 505 और 153A के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। इस समय सोमनाथ भारती रायबरेली के गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। अमेठी पुलिस ने रायबरेली पुलिस से आग्रह किया कि सुबह अमेठी पुलिस के पहुंचने तक सोमनाथ भारती को गेस्ट हाउस में ही रहने दिया जाए। एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक 11 जनवरी को दिन में रायबरेली कोतवाली के SHO अतुल कुमार सिंह की अगुवाई में पुलिसकर्मियों का एक दल सोमनाथ भारती से मिलने गेस्ट हाउस पहुंचा। यूपी पुलिस ने सोमनाथ भारती को नोटिस थमाने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि सोमनाथ भारती ने नोटिस स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस वक्त सोमनाथ भारती का विरोध करने कुछ दक्षिणपंथी संगठनों के लोग भी पहुंच गए। पुलिस और सोमनाथ भारती के बीच बहस होने लगी। इसी बीच एक व्यक्ति ने सोमनाथ भारती पर शाही फेंक दी। इसी क्रम में सोमनाथ भारती ने भी पुलिस के साथ अभद्रता की, योगी आदित्यनाथ के लिए मृत्यु की अपील की। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। इस घटना के बाद रायबरेली में ही सोमनाथ भारती पर एक और FIR की गई जिसमें सरकारी नौकर को ड्यूटी न करने देने और अपशब्द कहने संबंधित धाराएं भी जोड़ी गई। सवाल है कि सोमनाथ भारती और मनीष सिसोदिया इस तरह की छापा मार प्रणाली के तहत राजनीति क्यों कर रहे हैं? जवाब है, यूपी में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी है कि वो यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी और इस घोषणा के ठीक बाद आप और BJP में ये संघर्ष देखने को मिल रहा है। अब यहीं पर यह सवाल देखने को मिलता है कि राजनीति का ये छापा मार तरीका ही क्यों? प्रदेश की राजनीति पर पकड़ रखने वाले कहते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी ने इसी राजनीति पर, इसी रणनीति पर काम किया है। इस दिशा में हमने सबसे पहले AK लारी से बातचीत की। लारी लंबे समय से बनारस में पत्रकारिता करते रहे हैं। वो कहते हैं, आप 2014 का लोकसभा चुनाव याद करिए। अरविंद केजरीवाल उस समय नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। पूरी आम आदमी पार्टी भरभराकर बनारस चली आई थी। तमाम सेलिब्रिटी चले आए थे। कोई भी कहीं भी अपने तरीके से प्रचार कर रहा था। ये इनका दरअसल पुराना मॉडल है। AK लारी के मुताबिक पुराना मॉडल यानी शोर मचाना। वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी उन्हीं मुद्दों के आसपास शोर मचाती है जहां उनकी पकड़ अच्छी है। कहते हैं, अब उनके पास दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी पर काम करने का रिकॉर्ड है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो हर किसी को प्रभावित करते हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर वो यूपी में छापामार तरीके की राजनीति करने पर आमादा है। और यूपी में ही नहीं, ऐसा कमोबेश हर जगह देखने को मिला है। बेसिकली वो चाहते हैं कि BJP उनकी टर्फ पर खेले, उनके अपने मुद्दों पर राजनीति हो, तभी वो ध्यानाकर्षण भी कर पाएंगे। AK लारी की सुने तो आम आदमी पार्टी का हाल, साहब बोला तो बहुत लेकिन कहा क्या वाला हो जाता है। माने ये कि आम आदमी पार्टी का कैंपेन तो बहुत शोर शराबे से भरा हुआ होता है लेकिन उसमें वोट खींच पाने की क्षमता बहुत कम है, ऐसा AK लारी कहते हैं। मामले को थोड़ा करीब से जानने के लिए हमने लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला से बात की।
हमसे बातचीत में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के इस तरह की छापामार राजनीति से आखिर में बीजेपी को ही फायदा पहुंचता है। वो कहते हैं, आप पहले समझिए कि आम आदमी पार्टी का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है, वो बीजेपी है, और उन्हें लगता है कि इस तरीके की आक्रामक किस्म की राजनीति करके वो बीजेपी का विकल्प बन जाएंगे, और इस आक्रामक किस्म की राजनीति करके वो अगर कुछ परसेंट वोट पा गए तो वो ये कहते फिरेंगे कि हम यूपी या वाला राज्य की राजनीति में घुस गए। लेकिन गेम बड़ा है और शायद बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को इतना फुटेज देना चाहती है। ब्रजेश शुक्ला कहते हैं, दिल्ली एक छोटा सा राज्य है, यहाँ जो संकट थे आम आदमी पार्टी ने इनको एड्रेस किया, लेकिन जब आप यूपी में आते हैं तो बहुत सारे फैक्टर चस्पा हो जाते हैं। गांव है, पंचायत है, शिक्षकों के संघ वगैरह हैं, जातियों और धर्मों का अपना अलग समीकरण है, ये सब इतना आक्रामक और व्यापक रूप से दिल्ली में मौजूद नहीं है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी है वो समूचे यूपी के मुद्दे नहीं है। ब्रजेश शुक्ला बताते हैं, यूपी में बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी कोई समस्या नहीं है, उनके मुख्य प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव और मायावती हैं, लेकिन अखिलेश या माया के बयान पर बीजेपी का कोई मंत्री या प्रवक्ता इतना आक्रामक होकर क्यों नहीं बोलता जितना आक्रामक वो मनीष सिसोदिया या सोमनाथ भारती के खिलाफ बोलता है। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि आम आदमी पार्टी गेम में आ जाए, लोग नाम सुने और इससे बीजेपी का जो विरोधी वोट है उसे बांटने के लिए एक और मोर्चा तैयार हो जाएगा, और वोट का बंटवारा 10 से 50 सीटों पर भी हो गया तो बीजेपी वो सीटें आसानी से निकाल ले जाएगी। कई राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की आक्रामक और छापामार राजनीति कलाबाजियां एक खास वर्ग को ही संबोधित करती हैं। अव्वल तो ये महानगर को संबोधित करते मुद्दे हैं, इस संबोधन को सुनने वालों में गांव नहीं है और बहुत सारे वंचित वर्ग शामिल नहीं है। साथ ही धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई में आम आदमी पार्टी की चुप्पी भी जानकारों को चिंता में डालती है, वही चुप्पी जो दिल्ली में CAA और NRC के दौरान हुए आंदोलन और बाद के दंगों के दौरान देखी गई थी। अब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का क्या कहना है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का पक्ष जानने के लिए हमने राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से बात की। संजय सिंह ने कहा, यह बात सही है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहती है कि उनकी टर्फ और उनके ही मुद्दों पर बातचीत हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बीजेपी लंबे समय से हिंदू बनाम मुसलमान की पॉलिटिक्स करती रही है और हम जनता के मुद्दे जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दे लेकर आ रहे हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जो सबको प्रभावित करते हैं। संजय सिंह ने यह भी कहा कि आगे समय तो बहुत है, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब आम आदमी पार्टी इस तरह की सक्रियता दिखा रही है। उन्होंने कहा, अभी ही नहीं, पिछले 9-10 महीनों से हम लगातार यूपी के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पत्रकार की हत्या हो, हाथरस कांड हो, उसके बाद मुरादनगर में शमशान का गिरना हो, हमने लोगों की आवाज़ उठाई है। जब उन्होंने चैलेंज किया था कि यूपी के स्कूल देखने आइए तो मैं और मनीष सिसोदिया जी गए थे, खुद से तो गए नहीं थे, फिर उन्होंने बैठक में आने से इनकार भी कर दिया। और यूपी दिल्ली से काफ़ी अलग है, अभी समय भी तो करीब 1 साल है, अभी बहुत सारी बातें होंगी। ये बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी के पास अपनी छापामार प्रणाली और आक्रामकता है, लेकिन वो उन्हीं मुद्दों पर है जिन पर वो दिल्ली में एकाधिक बार चुनाव जीत सके हैं। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगभग 1 साल का वक्त बाकी है, ऐसे में बाकी बचे हुए मुद्दों पर आम आदमी पार्टी कितना संजीदा रवैया अपनाती है ये भी देखने वाली बात होगी। आपके लिए रिपोर्ट लाए थे हमारे साथी सिद्धांत, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।